Good morning, class 8th. So today we are going to start chapter number 8 of history. Civilizing the native, educating the nation. ठीक है, so chapter number जो 7th है weavers वाला, वो chapter cut कर दिया गया है और 8th chapter हम start कर रहे हैं. तो जैसे पिछले chapters में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे जो British rules की वजह से या फिर जो भी अंग्रेज़ों ने जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स वगैरह बनाए थे, इसकी वजह से राजास पर, नवाब्स पर, पीजेंट्स पर, ट्राइबल्स पर क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स वगैरह पड़े थे. लेकिन अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि इस इन सब की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स की जो लाइफ है इसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े. ठीक है, सो जो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश हमारी इंडिया में थे, वो क्या नहीं चाहते थे, किस तरीके से रेवेन्यूज़ वगैरह को कंट्रोल करना चाहते थे और किस तरीके से उन्होंने सिविलाइजेशन भी उन्होंने स्टार्ट किया कि उनको ऐसा फील हुआ कि हमारी कंट्री में जो कस्टम्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, इनको अब थोड़ा बहुत चेंज इसमें करना चाहिए. तो क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस वहाँ पर किए गए और ब्रिटिशर्स ने और इंडिया में क्या हुआ, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या कौन कौन से गुड सब्जेक्ट्स वगैरह वो यहाँ पर लाए और फिर इंडिया को किस तरीके से सिविलाइजेशन यहाँ पर लाया जाना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और जो ब्रिटिश जो पर्सन्स थे उनको ये सब चीज़ें जो है बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आ गई थी. तो अब इसमें क्या है, दैट हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, के ब्रिटिशर्स जो थे वो एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे. सो ब्रिटिशर्स के हिसाब से क्या था, एक कुछ नए नए वैल्यूज़, नए नए आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन उनके माइंड में हमेशा रहते थे. एज इंडियंस थोड़े से लैक थे, थोड़े लैक्ड पर्सन थे इंडियंस, थोड़े लैगर्ड थे, जो डेवलपमेंट जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्लो थी. ठीक है, सो पिछले बहुत, मतलब 200 सालों से पहले की बात यहाँ पर हो रही है. हम यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि पिछले 200 सालों में कितने कितने चेंजेस यहाँ पर हुए हैं. सो इंक्वायरी के लिए हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिशर्स के इन आइडियाज़ के ऊपर, जो एजुकेशन के न्यू आइडियाज़ थे उनके ऊपर किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है और किस तरीके से इंडियंस ने अपने ओन व्यूज़ को डेवलप किया और अपने तरीके से इंडियंस को एजुकेटेड बनाया. ठीक है, सो द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या कहा जा रहा है कि किस तरीके से शुरुआत कैसे हुई थी, स्टार्टिंग कैसे हुई थी एजुकेशन की. सो इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कलकत्ता. तो 1783 में एक पर्सन था विलियम जॉन्स जो कि कलकत्ता में आए थे. ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप. तो उनकी जो है एक अपॉइंटमेंट थी, वो अपॉइंटमेंट थी सुप्रीम कोर्ट पर. सुप्रीम कोर्ट में वो अपॉइंटमेंट उनकी होनी थी जो कि कंपनी ने सेट की थी. सो इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जॉन्स वाज अ लिंग्विस्ट. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सो ये जो जॉन्स थे, विलियम जॉन्स, ये कानून वगैरह के बारे में सब कुछ जानते थे, बहुत ही एक्सपर्ट थे इसके बारे में. ठीक है, सो कानून व्यवस्था को किस तरीके से बनाया जाना है और क्या क्या कानून होते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में ये जानते थे इनको. तो ये लिंग्विस्ट भी थे एक. तो ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लेटिन एट ऑक्सफोर्ड. वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जैसे स्टडी उन्होंने की हुई थी और उन्हें फ्रेंच और इंग्लिश वगैरह उन्हें अच्छे से आती थी. एंड हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड. और उन्होंने एक फ्रेंड से अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज भी उन्हें आती थी. सो कलकत्ता में he began spending many hours a day with pundits who taught him the subtleties of sanskrit language, grammar and. to yahan par calcutta mein unhone kuch hours jo hai panditon ke sath jo hai spend karna start kar diya tha, jinhone use sanskrit ki language bhi sikha di thi aur grammar and all that, aur sath mein jo bhi poetry hoti hai ye sab cheeze unhe विलियम जॉन्स को सिखा दी थी. सो सून ही वो स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स उन्होंने यहाँ पर आकर पढ़े कि मोरालिटी क्या होती है, अरिथमेटिक्स क्या होते हैं, मेडिसिन है, अदर साइंस है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, फिलोसफी है. ये सभी सब्जेक्ट्स जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में जैसे प्रोवाइड किए गए थे ये सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े.
सो जोन्स डिस्कवर्ड दैट, अब जोन्स को क्या लगा, दैट द इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकटा एट द सेम टाइम्स, कि यही सारे इंटरेस्ट तो वहाँ पर कैलकटा में भी ब्रिटिशर्स के थ्रू भी ये सारे इंटरेस्ट वगैरह जो है शेयर किए जाते हैं कैलकटा में. सो इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कॉल ब्रोक एंड, मतलब बहुत सारे ऐसे इंग्लिशमैन थे जो कि यही सब इंडियंस हेरिटेज वगैरह के बारे में यही सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे थे. सो मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस में अपनी मास्टरी बना रहे थे, ट्रांसलेशन सीख रहे थे कि संस्कृत में पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश, कि मतलब इंग्लिश टू पर्शियन एंड इंग्लिश टू संस्कृत, संस्कृत टू पर्शियन, ये सब चीज़ें, मतलब वो ट्रांसलेशन वगैरह भी वो सीख रहे थे. सो फॉर टुगेदर विद देम जोन्स सेट अप द एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एसियाटिक रिसर्चेस. तो उन्होंने क्या किया, जोन्स ने एक उन्होंने सोसाइटी बनाई, एसियाटिक सोसाइटी बनाई ऑफ बंगाल. तो और उन्होंने एक जर्नल भी जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया जिसका नाम था एसियाटिक रिसर्चेस. तो जॉन्स और ये जो कूल ब्रॉक थे केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, कि इंडिया के बारे में थोड़ा रिप्रेजेंट करना इन्होंने शुरू कर दिया था. और सब में क्या है यहाँ पर, क्योंकि जब ये हमारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हमारे ही बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या था, दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट. तो अब जहाँ ये नॉलेज अपनी गेन कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये अब एंशियंट कल्चर्स, तो इंडिया के कल्चर थे, इंडिया के जो भी हिस्ट्री में आप देखते हैं हिस्टोरिकल वेज जो भी थे, इनके जो भी कल्चर्स वगैरह को फॉलो किया जाता था, उन सब की ये डीप रिस्पेक्ट करते थे. और साथ में अपना जो पश्चिमी जो संस्कृति है उसको भी ये बहुत मानते थे. तो इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइंड. तो इन्होंने वहाँ पर क्या महसूस किया कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो भारतीय सभ्यता है, ये तो बहुत ही एक अच्छी सभ्यता है, और लेकिन अब उनके टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी, मतलब अब इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, तो भी जो भी इंडिया को समझना चाहता है, सबसे पहले वो यही समझे कि जो जितने भी साकार, जो भी जितने भी पवित्र और जितने भी लीगल टेक्स्ट वगैरह है जो एंशियंट पीरियड में बनाए गए थे, ठीक है, यानी कि जो भी बुक्स वगैरह लिखी गई थी लॉज के बारे में, और जो बुक्स वगैरह लिखी गई थी हमारे रिलीजन्स के बारे में, धर्मों के बारे में, वो सब किताबों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड ऑल्सो अ न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया. सो इन्हीं, जब तक कोई पर्सन इन सभी बुक्स को नहीं पढ़ लेता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी जो इंडिया की जो सभ्यता है बहुत अच्छी है, ठीक है ना. जितने भी इनके पीछे जो रियल आइडियाज़ थे कि हिंदू और मुस्लिम के जो धर्म है वो क्यों बनाए थे, कैसे कैसे बनाए थे, क्यों ज़रूरी है उनके लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना एंड ऑल दैट, तो ये सभी चीज़ें जो हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके बेसिस पर आगे की फ्यूचर डेवलपमेंट इंडिया की हो सकती है, ठीक है. तो इन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं बट नेक्स्ट वीडियो में. ओके.